हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है, जहां पर हमारा आधा से ज्यादा काम कंप्यूटर और मोबाइल के जरिए पूरा होता है। आज के समय में कंप्यूटर और स्मार्टफोन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। एक कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत सारे पार्ट्स की जरूरत होती है, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड्स, माउस और सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर और स्मार्टफोन दोनों के लिए ही सबसे जरूरी हिस्सा है, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। इसके अलावा आजकल कंप्यूटर और स्मार्टफोन में हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर लगाए जाते हैं, जो कि डिवाइस की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा देते हैं। इस प्रोसेसर का नाम है GPU। हम जब भी नया कंप्यूटर या लैपटॉप लेने के लिए शोरूम में जाते हैं, तो इसके स्पेसिफिकेशन में हम CPU और GPU के बारे में सुनते हैं। ये CPU और GPU क्या होता है, कैसे काम करता है और इनके बीच क्या डिफरेंस है, ये सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में दी जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो बिना आपका समय बर्बाद किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्विक सपोर्ट चैनल में। सबसे पहले हम जानेंगे CPU क्या है और ये कैसे काम करता है। CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये हार्डवेयर का एक ऐसा भाग है जो कंप्यूटर में सभी तरह के एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम को रन करने में मदद करता है। ये लगातार ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस को चलाता रहता है। ये कंप्यूटर सिस्टम के सभी इंपॉर्टेंट टास्क जैसे कि अरिथमेटिकल, लॉजिकल और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को संभालता है। CPU बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे कि प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के चाहे कोई भी छोटे या बड़े इंस्ट्रक्शंस हो, उन्हें रिसीव करता है, उन सभी को प्रोसेस करता है और यूजर के सामने उसका रिजल्ट दिखाता है। इसीलिए ये कंप्यूटर का एक जरूरी हिस्सा है। CPU एक छोटी सी चिप होती है जो मदरबोर्ड में मौजूद होती है। CPU का चिप बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स से मिलकर बना होता है। इन ट्रांजिस्टर्स की मदद से ही कंप्यूटर का प्रोग्राम रन होता है और कैलकुलेशन का काम CPU पूरा कर लेता है। CPU कंप्यूटर के सारे इंस्ट्रक्शंस और यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट्स को रिसीव करता है और बिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकंड की स्पीड से कार्य को पूरा करता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंप्यूटर हमारे पलक झपकते ही सारे काम तेजी से कर देता है। जितनी ज्यादा CPU की कैपेसिटी होती है, उतनी ही ज्यादा जल्दी ये अपने प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस को रन कर सकता है। पहले के समय के कंप्यूटर का स्पीड बहुत कम हुआ करता था, लेकिन आज के समय में कंप्यूटर में मल्टी कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कंप्यूटर की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। और दोस्तों, अब जानेंगे GPU क्या है और ये कैसे काम करता है। GPU का पूरा नाम है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे CPU का एडवांस वर्जन भी कहा जाता है, जो ग्राफिकल कैलकुलेशन करता है, जो पहले CPU का किया करता था। कंप्यूटर ग्राफिक्स असल में कंप्यूटर द्वारा बनाए गए पिक्चर्स और मूवीज को कहा जाता है। हमारे कंप्यूटर और स्मार्टफोन के स्क्रीन पर हम जो कुछ भी इमेज या विजुअल देखते हैं, उसे ग्राफिक्स कहते हैं। आजकल हाई ग्राफिक्स वाले एप्लीकेशंस कंप्यूटर और स्मार्टफोन पर आ रहे हैं, और CPU पर प्रोसेसिंग का लोड पड़ने की वजह से वो इन एप्लीकेशंस को तेजी से नहीं चला पा रहा था। इसीलिए GPU को बनाया गया ताकि वो CPU के काम को आसान कर सके। GPU के मुख्य कार्यों में से एक CPU पर लोड को कम करना है। GPU का काम है इमेज को रेंडरिंग करना, जिससे इमेज कंप्यूटर के स्क्रीन पर तेजी से डिस्प्ले होती है। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे GPU बहुत सारे ग्राफिकल कैलकुलेशन एक ही समय में बहुत तेजी से कर पाता है। इससे वीडियोस और इमेजेस की क्वालिटी बेहतर होती है। ठीक उसी तरह स्मार्टफोन में जो भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम मोबाइल में चलता है, वो प्रोसेसर यानी कि CPU संभालता है, और स्क्रीन पर जो कुछ भी विजुअल दिखाई देता है, जैसे एनिमेशंस, वीडियोस, इमेजेस, स्वीपिंग, पॉपअप और गेम्स, इन सबको GPU संभालता है। कंप्यूटर और स्मार्टफोन में GPU की ज्यादा जरूरत गेमिंग सॉफ्टवेयर के लिए होती है, क्योंकि गेमिंग में हाई ग्राफिक्स या 3D एनिमेशन का उपयोग किया जाता है, जिसे सिर्फ GPU ही रन कर सकता है। और कंप्यूटर में जब भी आप कोई इमेज या वीडियो एडिट करते हैं, तो उस समय GPU का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। CPU की तरह ही GPU में भी मल्टी कोर प्रोसेसर लगा हुआ रहता है, जिससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। कंप्यूटर डिवाइस और स्मार्टफोन में GPU दो तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला तो GPU पहले से ही कंप्यूटर के साथ इंटीग्रेटेड होकर रहता है, यानी वो कंप्यूटर के प्रोसेसर का एक हिस्सा रहता है, जो सिस्टम के सभी ग्राफिक्स को संभालता है। जैसे कि एक कंप्यूटर में इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है, तो वहाँ पर सिस्टम में इंटेल में आपको HD के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से किसी स्मार्टफोन में क्वालकॉम प्रोसेसर लगा हुआ है, तो वहाँ पर एड्रीनो GPU मिलता है, जो आपको गूगल पिक्सल, सोनी
सैमसंग, HTC, Xiaomi और LG कंपनी के स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। या फिर आपके स्मार्टफोन में मीडिया टेक का प्रोसेसर लगा हुआ है तो वहाँ पर माली GPU मिलता है, जिसका उपयोग सैमसंग और हवाई स्मार्टफोन के कुछ मॉडल्स में किया गया है। ये सभी GPU प्रोसेसर के साथ ही इंटीग्रेटेड होकर डिवाइस के साथ मिलते हैं। दूसरा, GPU के इस्तेमाल करने का तरीका डेडिकेटेड होता है, जो सिर्फ लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसे एक्सटर्नल तरीके से अलग से लगाया जाता है। अगर कंप्यूटर में आपको गेम खेलना पसंद है मगर सिस्टम में एक अच्छा सा ग्राफिक कार्ड मौजूद नहीं है, तो गेम खेलते समय आपको लैगिंग की समस्या देखने को मिलती है। इस समस्या को सुलझाने के लिए आपके पास एक विकल्प है कि आप आसानी से अलग से कोई भी ग्राफिक कार्ड खरीद कर अपने सिस्टम में लगवा सकते हैं, जैसे AMD, Intel, NVIDIA और ARM का GPU। तो इससे गेमिंग की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है और बड़े फाइल्स का गेमिंग सॉफ्टवेयर भी आपके डिवाइस में स्मूथली रन कर सकता है। और अब जानेंगे CPU और GPU के बीच में क्या अंतर है। तो पहला अंतर है, GPU और CPU दोनों ही एक प्रोसेसर है जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के टास्क को पूरा करते हैं। कंप्यूटर में CPU एक जनरल प्रपोज्ड प्रोसेसर होता है जो सभी तरह का काम कर लेता है, जैसे कि आप उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लीजिए या MS Word और Excel में काम कर लीजिए, मूवीज या गाने देख लीजिए, इंटरनेट पर कुछ ब्राउज कर लीजिए, ये सारा काम CPU कर लेता है। लेकिन GPU एक स्पेशल प्रपोज्ड प्रोसेसर है जो सिर्फ आपके कंप्यूटर के ग्राफिक्स को ही संभालता है। कंप्यूटर में दिखने वाले सारे विजुअल को GPU प्रोसेस करता है, इस कार्य में CPU का काम बहुत कम रहता है। दूसरा है, CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है जो सभी तरह के टास्क को पूरा करता है और GPU सिस्टम में ग्राफिक्स के कार्यों को तेजी से करने में मदद करता है। ये एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए बनाया गया है। तीसरा है, CPU में बहुत कम कोर्स देखने को मिलते हैं जिससे इसके कार्य करने की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है, लेकिन GPU में CPU से कई गुना ज्यादा कोर्स पाए जाते हैं जो कि कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ा देते हैं। चौथा है, CPU के कोर्स सीरियल प्रोसेसिंग की टेक्निक्स पर काम करते हैं और एक समय में केवल एक ही टास्क को पूरा करते हैं। GPU में पैरेलल आर्किटेक्चर कोर्स होते हैं जो एक समय में बहुत से टास्क को पूरा करते हैं। यही वजह है कि GPU की वजह से वीडियो और इमेज की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। पांचवा है, CPU को टास्क के प्रोसेसिंग के लिए ज्यादा कंप्यूटर मेमोरी की जरूरत होती है और GPU को प्रोसेसिंग के लिए कम मेमोरी की जरूरत होती है। GPU स्पेशलाइज्ड है और CPU के कार्य को रिप्लेस नहीं कर सकता। CPU एक GPU के कार्य को कर सकता है लेकिन बहुत ही धीमी गति से, इसीलिए दोनों ही कंप्यूटर डिवाइस और स्मार्टफोन के लिए इम्पोर्टेंट है। आशा है कि आपको इस वीडियो से CPU और GPU क्या है और इनके बीच में क्या अंतर है, इससे जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हमारी वीडियोस के जरिए आपको दिए गए विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। इस वीडियो से जुड़ी कोई परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हैं, ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए फिलहाल दीजिए इजाजत, एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।